हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जैसे कि हम सबको पता ही है कि कोरोना का समय चल रहा है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो है बच्चे। पहले क्या होता था, बच्चों की रूटीन होती थी, वो स्कूल जाते थे, वहाँ पर उनकी एनर्जी कंज्यूम होती थी, वो बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, बहुत सी एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम अपने बच्चों को डाल देते थे। लेकिन अब बच्चों ने सारा दिन घर पे रहना है, उनकी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऐसे में बीइंग पेरेंट्स, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। बच्चों को मैनेज करना, उनकी ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करना, खासकर जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 5-6 साल 4 साल तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मूडी होते हैं, उनके टैंट्रम्स होते हैं, वो एक जगह पर आराम से बैठ नहीं पाते। उनको ऑनलाइन क्लासेस लगाना पसंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनके लिए अगर मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, वो उनके लिए एक प्ले थिंग की तरह है। आज से पहले उन लोगों ने इन चीज़ों को सिर्फ अपनी गेम्स के लिए या फिर अपनी वीडियोस के लिए यूज़ किया था, पर अब उन्हें ये चीज़ें अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ करनी पड़ रही है, जो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये सबके लिए ही बिल्कुल नई सी चीज़ है और इसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, खासकर जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा हो, नर्सरी केजी क्लास का बच्चा हो, तो ऐसे में हम उनको इजीली मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि बच्चों के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम उनको अच्छे से उन ऑनलाइन क्लासेस में बैठा पाएँ, वो इंटरेस्ट लें अपनी ऑनलाइन क्लासेस में और उनकी स्टडीज़ ख़राब ना हो। बीइंग अ मदर, मेरे ऊपर भी लास्ट ईयर ये ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर था और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी डॉटर ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही है, उसको वो जो बेसिक्स उसको सीखने चाहिए थे स्कूल में जाकर, वो वाले बेसिक्स को सीख नहीं पा रही है। तो ऐसे में मैंने अपने डॉटर का जो ईयर है वो ड्रॉप करवाया। बट हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम बच्चों की पढ़ाई को अब नज़रअंदाज करें। हम अगर बच्चों के ईयर ड्रॉप करवाते रहेंगे या उनकी ऑनलाइन क्लासेस में हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे या बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ठीक से लगाएंगे, तो इससे उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता आने वाले टाइम में कब जाकर स्कूल्स खुलेंगे, कब बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन जी पाएंगे और कब ये ऑनलाइन क्लासेस का जो दौर है वो ख़त्म होगा। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिनको आप यूज़ करके अपने बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बच्चे की उन ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्वमेंट को इनक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, वो है कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। आपको पता है कि आपके बच्चे ने अब स्कूल नहीं जाना। जब बच्चा स्कूल जाता था तब हम क्या करते थे, हमारे को पता होता था कि 7:30 पे या 8:00 या 7:00 बस आएगी या हमने बच्चे को छोड़ने जाना है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, बच्चे को रेडी करते थे, बच्चे का बैग लगाते थे, सब कुछ हम पहले से रेडी करके रखते थे, एक टाइम टेबल हमारा सेट होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तो हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है। हम क्या करते हैं, बच्चे की ऑनलाइन क्लास अभी स्टार्ट होने में 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स पहले ही हम बच्चे को उठाते हैं। मैं भी यही करती थी, मैं 10 मिनट पहले अपनी डॉटर को उठाती थी, जब उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे 10 मिनट्स पहले ही मैं उसको वेकअप करती थी। बट इससे क्या होता था, इससे बच्चा लेज़ी रह जाता था, बच्चा लेज़ीनेस में ही अपनी क्लास लगाता था, वो अच्छे से समझ नहीं पाता था कि उसको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको कंसंट्रेट करना है। जो कंसंट्रेशन होती थी बच्चे की वो किसी और चीज़ों पर होती थी, अपनी पढ़ाई के ऊपर नहीं होती थी। तो अगर ऐसे में आप एक टाइम टेबल बना के रखेंगे तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। टाइम टेबल कुछ ऐसा हो कि आप उसको जल्दी रात को सुला दें और जल्दी सुबह उसको उठा दें। जैसे कि अगर आपके बच्चे की क्लास 9 बजे है तो उसे कम से कम 8 बजे या 7:30 बजे आप उठने की आदत डालें। ऐसे में बच्चे को जल्दी उठने की आदत भी पड़ेगी और वो लेज़ी भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्लास में और उसके उठने में जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो बच्चा जो पहले की एक्टिविटीज़ है उसको वो कर पाएगा, जैसे वो फ्रेशन अप हो पाएगा। अगर उसको भूख लगी है तो उसका ब्रेकफास्ट डन होगा और जो बच्चा है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएगा। उसे अच्छे से रेडी करके बिल्कुल एक्टिव मोड में आप उसको क्लास में बिठाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा कंसंट्रेशन से अपनी क्लास लगा पाएगा।
अगर हम बच्चे को बिल्कुल टाइम पे उठाएंगे, 10 मिनट पहले अगर हम बच्चे को उठाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे उसका ध्यान और चीज़ों पे होगा। उसको होगा कि मुझे भूख लग रही है, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, मैं नाइट सूट में हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है, तो बहुत सारे टेंट्रम्स बच्चा थ्रो करेगा। लेकिन अगर वो फ्रेश होगा तो वो एक्टिवली अपने क्लास को अटेंड कर पाएगा और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, तो वो है मोटिवेट देम। जब बच्चा स्कूल जाता था तो टीचर्स क्या करते थे, टीचर्स एक एक बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट करके अगर बच्चा कहीं लैग कर रहा है तो उसको बताते थे। लेकिन अब टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो फेस टू फेस बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट कर सके, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सके और बच्चे को ये बता सकें कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है। ऐसे में हम पेरेंट्स के ऊपर ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम बच्चे के ऊपर ध्यान दें, उसको मोटिवेट करें। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करोगे कि आप क्लास लगाओ, आप अच्छे से क्लास लगाओगे तो आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, आप सारे फ्रेंड्स को कैमरे में देख सकते हो, आपकी टीचर आपको देख रही है, तो बच्चा इससे मोटिवेटेड फील करेगा। अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा तो वो अपनी क्लास में इंटरेस्ट लेगा, उसको पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस पर्पस से मुझे आज यहाँ बिठाया गया है। अगर उसको उस पर्पस का पता होगा, वो उस पर्पस के लिए मोटिवेटेड होगा, तो वो अपनी क्लास को अच्छे से अटेंड करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो वो है कि आप अपने बच्चे की टीचर के साथ कनेक्टेड रहो। आपको पता होना चाहिए कि आज क्लास में टीचर ने क्या कराया। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं उसको टाइम टू टाइम आप क्लियर करो। बच्चे के नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स जो हैं टीचर्स के टच में हैं, हर एक उसकी एक्टिविटी के बारे में उसकी टीचर को बताया जा रहा है। अगर बच्चे को इस चीज़ का पता होगा तो बच्चा उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर हम ये बोलते हैं कि उसकी टीचर उसको देख रही है, उसकी टीचर को हम बता देंगे या टीचर आपसे कल ये पूछने वाली है, तो बच्चा इस चीज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। इसके अलावा आप उनकी टीचर्स को कह सकते हो कि पिछले क्लास के क्वेश्चंस आप बच्चे से नेक्स्ट क्लास में पूछते रहो। अगर बच्चे से नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बच्चे को वो क्वेश्चंस को समझना, पढ़ना, याद करना आसान लगेगा। उसको अगर पता होगा कि उसकी टीचर उससे क्वेश्चंस पूछने वाली है, तो बच्चा उसको होल हार्टेडली याद करेगा, होल हार्टेडली उसको समझेगा। तो इसलिए आप टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहो, आपके बच्चे की जो एक्टिविटी है उसकी अपडेट्स आप देते रहो। अगर टीचर की नॉलेज में भी होगा और बच्चे की नॉलेज में होगा, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सही बना रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो वो ये है कि बच्चे को क्लास के बाद ब्रेक दे दो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो एक पीरियड वाइज की तरह चल रही हैं। लाइक जैसे स्कूल में होता था कि एक पीरियड खत्म हुआ तो 5 मिनट्स बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चा जो है उसका सारा ध्यान इस दौरान पढ़ाई में रहता है। वो 4 से 5 घंटे जो है सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देगा। तो आपको करना क्या है, जब उसकी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो उसको हाफ एन आवर, 1 घंटा उसकी मर्जी का दे दो। उसको बोलो कि अगर आप क्लास अच्छे से लगाओगे तो जो क्लास के बाद का 1 आवर होगा उसमें आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। वो टीवी हो सकता है, वो प्ले हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो उसका मन करेगा वो करेगा। और अगर उसको ये ब्रेक मिलेगी तो उसका माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा। यूजुअली हम करते क्या हैं, जब ऑनलाइन क्लास ख़त्म हुई जो होमवर्क हमें मिलता है हम क्या करते हैं, साथ के साथ बच्चे को होमवर्क पे बिठा देते हैं। लेकिन इससे जो आउटपुट है बच्चे की वो नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा पहले ही ऑनलाइन क्लास में थका हुआ होगा और अगर उसको ब्रेक नहीं मिला होगा तो वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और दूसरे ही हाथ अगर आप बच्चे को ब्रेक देते हो 1 या 2 घंटे का, तो इससे बच्चे की आउटपुट ज़्यादा आएगी, बच्चा अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगा, बच्चा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, वो है कि अगर आपके बच्चे की क्लासेस के बीच में ब्रेक होती है, तो उन ब्रेक्स में बच्चे को इधर उधर जाने की बजाय उसको फ्रूट्स देते रहो। इससे उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडली उसका जो स्टमक है वो भी फुल रहेगा। जब बच्चे का पेट भरा हुआ होगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे पाएगा। फ्रूट्स अगर आप बच्चे को दोगे तो वो उसके लिए हेल्दी भी हैं और वो ब्रेन को वर्क करने में भी हेल्प करते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम बच्चे को कुछ फ्राइड या फिर कुछ जंक फूड दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो वो है कि आप बच्चे को एक वीकेंड ट्रीट
के बारे में बता कर रखूँ। जैसे मैंने अपने केस में ये किया है कि अगर मेरी डॉटर मंडे टू फ्राइडे अच्छी तरह से क्लास लगाती है, अच्छी तरह से अपना होमवर्क करती है, टाइम टू टाइम जो है अपनी क्लास में बैठ के कंसंट्रेशन से सब कुछ करेगी, तो वीकेंड पे उसको कोई ना कोई ट्रीट मिलेगा। वो ट्रीट कुछ भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप उसको ट्रीट दे सकते हो। वो एक बिस्किट का पैकेट हो सकता है, वो कोई टॉय हो सकता है, कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो बच्चे को पसंद हो, चॉकलेट हो सकती है, कुछ भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो। यूजुअली हम बच्चे को घुमाने ले जाते थे एज अ ट्रीट, बट अब हम जैसे घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप ट्रीट में बच्चे की मनपसंद की कोई भी चीज़ दो, तो इससे क्या होगा, बच्चा फुल जो वीक है उसमें बच्चा मोटिवेटेड रहेगा कि अगर मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो मुझे वीकेंड पे कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा। और इस क्यूरियोसिटी में बच्चा अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते करते कवर करता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपको अपने बच्चे को रेगुलर रखना होगा। उसका जो स्केड्यूल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे हॉलीडे है, चाहे वीकेंड है, चाहे कुछ भी है। बच्चे का सोने का टाइम सेम होना चाहिए, बच्चे का खाने का, खेलने का, सब टाइम उसका सेम होना चाहिए। इसके अलावा जो उसका होमवर्क है वो रेगुलर बेसिस पे आपको करवाना चाहिए। आपको इस चीज़ की वेट नहीं करनी चाहिए कि वीकेंड आएगा तो मैं पिछले वीक का सारा कवर करवा दूँ। अगर आपका बच्चा रेगुलरली अपना होमवर्क करता रहेगा, अपना क्लास वर्क रिपीट करता रहेगा, तो इससे जो उसका माइंड है वो शार्प भी रहेगा और उसको पता होगा कि पूरे वीक में क्लास में क्या करवाया, और वीकेंड में वो पूरे वीक की प्रैक्टिस कर पाएगा। होमवर्क को नेक्स्ट डे पे छोड़ने की बजाय आपको उसी डे कंप्लीट करवाना चाहिए। और इसके अलावा बच्चे को जो है एक्स्ट्रा वर्क एटलीस्ट हाफ एन आवर का आपको करवाना चाहिए हर रोज़, ताकि बच्चा जो है वो सब कुछ मेमोराइज कर सके और वो कुछ भी ना भूले। लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को टाइम डिवोट करना है। आई नो बहुत से पेरेंट्स हैं जो वर्किंग होंगे, जिनके लिए बच्चे को टाइम डिवोट करना, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन अब ऐसा समय है कि पेरेंट्स ही बच्चे के लिए हेल्प हैं, पेरेंट्स के ऊपर ही बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि अब स्कूल कब खुलेंगे, कब तक ये ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, तो हमें कुछ भी करके तो ये टाइम जो है बच्चों को डिवोट करना ही पड़ेगा। तो अपना टाइम जितना हो सके अपने बच्चे को डिवोट कीजिए, अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसकी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, उसकी करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको देखिए कि वो किस राह पे जा रहा है, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई पे कर रहा है, और इसकी अपडेट्स जो हैं आप उनके टीचर्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि टीचर्स को भी पता हो कि बच्चा कितना कवर कर चुका है और कितना बच्चे का अभी सिलेबस कवर करना बाकी है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।